बाय सी मोस्ट डिवाइसेस, बाय सी मोस्ट डिवाइसेस जो कि मोस्ट डिवाइस है। अब देखिए जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें ट्रांसकंडक्टेंस होती है, ट्रांसकंडक्टेंस जो कि हम पहले कर चुके हैं कंप्लीटली, और उसमें करंट अपॉन एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, यानी आई अपॉन ए कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट डिवाइसेस में होती है जो इंडिकेट करती है करंट डिवाइसेस को और उसकी कैपेबिलिटी को उसके एरिया के अकॉर्डिंग, जो सिलिकॉन का एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग। और जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं आउटपुट करंट पे, अलग अलग चीजों पे। ये हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, और ये जो हमारे बाइपोलर डिवाइसेस होते हैं अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे आउटपुट करंट होता है इनपुट बेस टू एमिटर वोल्टेज के ऊपर, यानी कि वीबीई, बेस एमिटर वोल्टेज से वीबीई से डिनोट किया जाता है। जो भी आउटपुट करंट होगा इनपुट बेस एमिटर वोल्टेज पे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। ये जो डिवाइस होते हैं ऑपरेट करते हैं स्मॉल इनपुट वोल्टेज पे, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज होती है वो स्मॉल स्विंग करती है, बहुत स्मॉल स्विंग करती है मोस्ट ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में। यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज देंगे ना, इनकी स्विंग बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, मच स्मॉलर होती है इनपुट वोल्टेज में मोस्ट ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में। और जो इसका जो स्विच लार्ज, जो स्विचिंग होती है वो इसमें लार्ज करंट में होती है। और जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं उसकी अच्छी परफॉर्मेंस, स्विचिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और इसके अलावा इसी से स्विचिंग परफॉर्मेंस होगी, बाइपोलर ट्रांजिस्टर में स्विचिंग परफॉर्मेंस बढ़िया होती है, इसमें अच्छी होती है। और जो हमारे टेम्परेचर इफेक्ट भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं इफेक्ट, जो टेम्परेचर होता है जो रिक्वायर्ड होता है इनपुट वोल्टेज में, बेस एमिटर वोल्टेज में, बेस एमिटर वोल्टेज होते हैं वो लॉगरिथमिक डिपेंडेंट होती है, जो कि डिपेंड होती है बेस की विड्थ पे, जिसे डब्ल्यू बी से डिनोट किया जाता है, डॉपिंग लेवल पे जिसे एन ए से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी पे जिसे म्यू एन से डिनोट किया जाता है, और कलेक्टर करंट पे जिसे आई सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये लीनियरली इस पे डिपेंड होती है। और इसमें जो मैचिंग होती है, बेस एमिटर वोल्टेज वैल्यू होती है पूरे सर्किट के अक्रॉस, ये स्प्रेड होती है चिप के एरिया में। और इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें ट्रांसकंडक्टेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रांसकंडक्टेंस होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये जो स्विचिंग परफॉर्मेंस होती है ट्रांजिस्टर की, कैपेसिटिव लोड को विजुलाइज की जा सकती है। ये जो सर्किट है ये बाइपोलर डिवाइसेस का ही सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो टाइम होगा, टाइम को डेल टी से डिनोट किया जाता है, जितना टाइम में चेंज होता है, यानी चेंजमेंट इन टाइम, जो भी टाइम होता है वो जो चेंज होते हैं आउटपुट वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग, जो आउटपुट वोल्टेज में जो चेंजेस होंगे वो इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि जो इक्वल इनपुट में चेंजेस होते हैं वैसे ही आउटपुट पे चेंजेस होते हैं। तो डेल टी जो जितना भी चेंज होता है वो इज इक्वल टू होता है जो लोड कैपेसिटेंस होती है, यानी कि सी एल अपॉन में जी एम। जी एम क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस जो होगी सर्किट की वो रिप्रेजेंट करती है बाइपोलर ट्रांजिस्टर में। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसमें हाई ट्रांसकंडक्टेंस होती है, ठीक है, और डेल टी जो होती है वो स्मॉल होती है। अब इसके अलावा इसके दो फैक्टर्स होते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, दो मेन कंपोनेंट जिसे बोला जाता है बाइपोलर डिवाइसेस के। एक तो होता है, फर्स्ट है टी इन, टी आई एन, ठीक है। ये जो होता है ये इनिशियल टाइम कंपोनेंट होता है, इनिशियल टाइम बोलते हैं टी इन, ये क्या है, इनिशियल टाइम जो कि चेंज करता है बेस एमिटर जंक्शन को बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, बाइपोलर एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना, बेस एमिटर जंक्शन को बताता है। अगर हम बायस सीमोस की बात कर रहे हैं, बायस सीमोस की, तो ट्रांजिस्टर बेस जो ड्राइव्स होते हैं उसमें जो रीजन होता है वो 2NS का होता है, जो सीमोस होता है उसमें जो रीजन होता है वो 1NS का होता है, ठीक है ना। फॉर टी इन की बात करें, यानी इनिशियल टाइम की बात करें हैं। और गैलीनियम ऑर्सेनाइड का जो होता है वो 50 से 100 पिको सेकंड का होता है, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। तो ये तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट होता है टीएल, टीएल क्या होता है, जो टाइम जो आउटपुट लोड में, जो सीएल में चेंजेस होते हैं वो जो टाइम लेता है वो आउटपुट लोड कैपेसिटेंस सीएल उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका जो कंपोनेंट होता है वो एचएफई,
जो कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर गेन को रिप्रेजेंट करता है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं टी इन एंड टी एल। अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें और बाइपोलर बाई सीमोस और मोस के सीमोस के बीच में ग्राफ देखें तो वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। लोड कैपेसिटेंस और डिले टाइम के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीमोस के लिए। सीमोस के जो स्लोप होता है वो डॉटेड लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या है, डिले टाइम, ये देखिए इसमें डिले टाइम तो कम होता है लेकिन लोड कैपेसिटेंस ज्यादा होता है सीमोस के कंपैरिजन में। लेकिन बायस सीमोस के देखिए तो डिले टाइम ज्यादा होता है जबकि लोड कैपेसिटेंस कम होता है। सीमोस का जो स्लोप होगा वो वी अपॉन आई डी को रिप्रेजेंट करेगा और बाय का जो स्लोप होगा बाय सीमोस का वो वी अपॉन आई डी एच एफ ई को डिनोट करेगा। टी इन जो कि टाइम चेंज इनपुट बेस एमिटर जंक्शन होता है और एच एफ ई जो कि ट्रांजिस्टर करंट गेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है बाय सीमोस ड्राइवर्स। अब ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के लिए बाय सीमोस और सीमोस के लिए यहाँ पे सीएल सेम है यानी जो कैपेसिटिव लोड है वो सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम बाय सीमोस ड्राइव्स को शो करते हैं। और ये जो होता है ना ये टी आई इन को रिप्रेजेंट करता है जो कि इनिशियल टाइमिंग होती है, टाइम चेंज होता है बेस एमिटर जंक्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।